बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग अबाउट टाइम। ये कहानी टाइम ट्रेवल पर आधारित है। इसमें ये दिखाया जाता है कि एक लड़का जो टाइम ट्रेवल कर सकता है, वो अपने प्यार को पाने के लिए, खुशियां पाने के लिए टाइम ट्रेवल का इस्तेमाल करता है। इस लड़के का नाम है टिम लेक, जो अपने परिवार के साथ समंदर के किनारे रहता है। टिम के पिता बहुत ही फ्रेंडली है और उसकी माँ का व्यवहार भी बहुत अच्छा है। टिम के एक अंकल है जो एब्सेंट माइंडेड है, वो हमेशा खोए खोए रहते हैं। और टिम की एक छोटी बहन भी है जिसका नाम कैथरीन है, सब उसे किटकैट कहते हैं। कैथरीन पूरे घर की जान है और टिम भी अपनी बहन से बहुत प्यार करता है। इनके परिवार में बहुत खुशियां हैं। ये हर साल न्यू ईयर ईव पर एक पार्टी देते हैं और आज वही दिन होता है। रात को पार्टी होती है, सब बहुत इंजॉय करते हैं। और अगले दिन टिम के डैड टिम को बुलाते हैं और वो कहते हैं कि आज तुम 21 साल के हो गए हो, एक दिन मेरे डैड ने भी मुझे ऐसे बुलाया था जैसे आज मैंने तुम्हें बुलाया। टिम कहता है क्या कोई खास बात है? वो कहते हैं कि हाँ, हमारी फैमिली का एक सीक्रेट है, शायद तुम्हें सुनने में अजीब लगे, लेकिन हमारी फैमिली के मर्दों में ऐसी काबिलियत है कि वो टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। हम समय में पीछे जा सकते हैं लेकिन हम फ्यूचर में नहीं जा सकते। टिम ये सुनकर हैरान हो जाता है। उसे लगता है कि उसके डैड उससे मजाक कर रहे हैं। टिम के डैड बोलते हैं कि जब मैंने पहली बार सुना था तो मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगा था, लेकिन ये सच है। तुम्हें बस एक अंधेरी जगह पर जाना है, वहां पर अपनी मुट्ठियों को टाइट करना है और उस जगह के बारे में सोचना है जहां तुम जाना चाहते हो, और तुम पहुंच जाओगे। टिम कहता है कि अगर ये मजाक हुआ तो मैं आपको डैड छोड़ूंगा नहीं, और वो वहां से चला जाता है। वो एक अलमीरा के अंदर जाता है और अपनी मुट्ठियों को टाइट करता है और एक रात पहले जो न्यू ईयर की पार्टी हुई थी वो उस पार्टी के बारे में सोचता है। और तभी वो देखता है कि जो कपड़े उसने रात को पार्टी के दौरान पहने थे वही कपड़े उसके शरीर में होते हैं। और जब वो अलमीरा का दरवाजा खोलता है तो बाहर से म्यूजिक की आवाज आ रही होती है। दरअसल वो सच में एक दिन पहले पहुंच गया होता है। वो नीचे पार्टी में जाता है और उन गलतियों को नहीं दोहराता जो उसने पार्टी के दौरान की थी। इसके बाद टिम वापस अपने प्रेजेंट में आ जाता है और अपने डैड के पास जाता है और वो अपने डैड से बोलता है कि ये तो सच में काम करता है। उसके डैड बोलते हैं कि तुम इस पावर का क्या करना चाहते हो? टिम बोलता है कि मैं पैसा और फेम चाहता हूँ। उसके डैड बोलते हैं कि ऐसा कभी मत करना, यही गलती तुम्हारे दादाजी ने की थी और अंत में उनके पास कोई नहीं बचा था। मैंने कभी किसी अमीर आदमी को खुश नहीं देखा। टिम बोलता है लेकिन ऐसा करने से हमें काम नहीं करना पड़ेगा। उसके डैड बोलते हैं कि कभी भी काम से दिल मत चुराना, अपने अंकल को देखो, उनके दिमाग का डिब्बा गुल हो चुका है क्योंकि उन्होंने भी ऐसे ही किया था, ऐसे ही सोचा था। उसके डैड बोलते हैं कि इसे किसी ऐसे काम के लिए इस्तेमाल करना जो बहुत खास हो, बहुत अलग हो। टिम कहता है कि मैं इसे अपने प्यार के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड को पाने के लिए इस्तेमाल करूंगा। उसके डैड बोलते हैं कि हाँ, ये बड़ी बात है। अब इसी दौरान टिम की बहन किटकैट के बॉयफ्रेंड जिमी की कजन जिसका नाम शेरलेट है, वो इनके घर में 2 महीने के लिए रहने के लिए आती है। और शेरलेट बहुत खूबसूरत होती है और टिम की बहन का जो ये बॉयफ्रेंड बना होता है, ये न्यू ईयर ईव की पार्टी की रात को ही बना होता है। अब यहाँ शेरलेट के आने के बाद टिम किसी भी कीमत पर उसके प्यार को पाना चाहता है। वो उसे अपना पूरा टाइम देता है, उसके साथ लॉन टेनिस खेलता है, उसके साथ घूमने जाता है। और 2 महीने बाद जब शेरलेट के जाने का टाइम हो जाता है तो एक रात पहले टिम उसके कमरे में जाता है और उससे अपने प्यार का इजहार करता है। शेरलेट बोलती है काश तुमने ये 1 महीने पहले कहा होता तो शायद हमें कुछ वक्त मिल जाता, तुमने बहुत देर कर दी। टिम कहता है कि मैं अभी आया और वो सीधा अलमीरा के अंदर जाता है और वो अपनी टाइम ट्रेवल की पावर को यूज करके 1 महीने पीछे चला जाता है और शेरलेट के रूम में जाता है और शेरलेट से अपने प्यार का इजहार करता है। शेरलेट बोलती है कि मुझे अच्छा लगा, क्यों ना हम 1 महीना एक दूसरे के साथ गुजारे, और यही बात तुम मुझसे आखिरी रात पूछो, यानी कि मेरे जाने से एक दिन पहले। टिम इस बात से निराश हो जाता है क्योंकि अभी कुछ ही पलों पहले उसने उससे यही सवाल उसके आखिरी दिन पूछा था, लेकिन टाइम ट्रेवल करने के बाद भी उसे निराशा ही हासिल होती है और वो समझ जाता है कि शेरलेट उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। टिम कहता है कि टाइम ट्रेवल का मुझे अपनी जिंदगी का पहला अनुभव मिल गया कि टाइम ट्रेवल भी किसी का प्यार आपको नहीं दिला सकता। अगले दिन शेरलेट वहां से चली जाती है और इसके एक दिन बाद टिम भी लंदन चला जाता है अपनी लॉ की प्रैक्टिस करने के लिए, अपने लिए एक गर्लफ्रेंड ढूंढने के लिए। लंदन में वो अपने पिता के एक दोस्त के पास जाता है जो कि एक प्ले राइटर है जो नाटक लिखते हैं, और साथ ही साथ वहां पर अपनी लॉ की प्रैक्टिस भी शुरू कर देता है।
छह महीने बीत जाते हैं लेकिन टिम को कोई भी लड़की नहीं मिलती। अब एक दिन वो अपने दोस्त के साथ एक रेस्टोरेंट में जाता है और वहां पर उसको एक लड़की मिलती है जिसका नाम मेरी होता है। वो मेरी से बहुत सारी बातें करता है और मेरी और टिम एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर देते हैं। वो मेरी से उसका नंबर मांगता है, मेरी उसे अपना नंबर दे देती है और जाने से पहले उसे कहती है कि मुझे उम्मीद है कि हम दोनों दोबारा जरूर मिलेंगे, और वो वहां से चली जाती है। आज रात टिम बहुत खुश होता है क्योंकि उसकी जिंदगी में एक लड़की के आने की उम्मीदें जा गई हैं। और जब वो घर जाता है तो वो देखता है कि जिस अंकल के साथ वो रहता है, जो कि एक प्ले राइटर है, वो बहुत परेशान होते हैं। दरअसल उन्होंने एक प्ले लिखा होता है और आज उसका नाटक था, और उस नाटक में एक्टर अपने डायलॉग्स भूल जाता है जिस वजह से वहां पर सारी ऑडियंस प्ले खत्म होने से पहले चली जाती है। और अब उनकी किताब के, उनके प्ले के जो रिव्यूज आएंगे वो बहुत गंदे आएंगे और इसीलिए वो परेशान है। अब टिम को जब ये बात पता चलती है तो वो अपने अंकल से कहता है कि आप परेशान मत होइए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और वो टाइम ट्रेवल के जरिए कुछ घंटे पहले जाता है जहां पर उसके अंकल का प्ले चल रहा होता है, और जिस सीन में एक्टर डायलॉग्स भूला होता है उस सीन में वो उसे डायलॉग्स याद दिलवा देता है, और इस वजह से उसके अंकल का प्ले बहुत हिट हो जाता है जिससे उसके अंकल खुश हो जाते हैं। अब प्ले के बाद टिम जब अपने मोबाइल में मैरी का नंबर देखता है तो उसमें वो नंबर होता ही नहीं है क्योंकि उसने पास्ट में आकर वो समय जिया ही नहीं जहां पर उसने मैरी का नंबर लिया था। वो भागता हुआ उसी रेस्टोरेंट में जाता है जहां पर उसे मैरी मिली थी, जहां पर उसने मैरी से उसका नंबर लिया था, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि मैरी और उसकी दोस्त वहां से जा चुकी हैं। और टिम दोबारा टाइम ट्रेवल का इस्तेमाल करके उस समय में नहीं जा सकता जहां पर वो मैरी से मिला था क्योंकि वो समय और उसके अंकल का प्ले का समय एक ही था। अगर वो मैरी से उसका नंबर लेने के लिए जाता है तो उसके अंकल का प्ले, उनकी पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। इसीलिए टिम अब मजबूर है और उसके पास मैरी का नंबर नहीं है। अब टिम उदास होता है, तभी उसे न्यूज़पेपर में केट मोस की एक ऐड दिखती है और उसे याद आता है कि मेरी को केट मोस कपड़ों का ब्रांड बहुत पसंद है, और वो केट मोस के कपड़ों के ब्रांड के बाहर जाकर उसका इंतजार करता है और वहां पर वो एक हफ्ते तक उसका वेट करता है। और एक हफ्ते बाद मेरी वहां पर आ जाती है लेकिन मेरी उसे नहीं पहचानती। वो मेरी से बातें करता है और बातों ही बातों में वो मैरी को और उसकी दोस्त को कॉफी के लिए राजी कर लेता है। अभी सब मिलकर वहां पर कॉफी पी रहे होते हैं, तभी टिम मैरी से पूछता है क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। मैरी बोलती है कि हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है। टिम बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैरी बोलती है ऐसा क्यों नहीं हो सकता, मेरा बॉयफ्रेंड है। टिम बोलता है क्या वो अभी भी बना है। वो कहती है हाँ अभी एक हफ्ते पहले। और तभी उसका बॉयफ्रेंड वहां पर आ जाता है जिसका नाम रूपर्ट होता है। टिम उनसे पूछता है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम कब, कहां और कैसे मिले थे। मैरी उसे बोलते कि हम एक बोरिंग सी पार्टी में मिले थे। टिम पूछता है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये बोरिंग सी पार्टी कहां चल रही थी। मैरी की दोस्त बोलती है कि ये पार्टी मेरे घर पर चल रही थी। टिम बोलता है तो तुम्हारे घर का एड्रेस क्या है। मैरी बोलती तुम हो क्या, तुम जासूस हो। वो कहता नहीं मैं सब कुछ अच्छे से इमेजिन करना चाहता हूँ, और मैरी की दोस्त उसे एड्रेस बता देती है। टिम वहां से चला जाता है और वो टाइम ट्रेवल का इस्तेमाल करके एक हफ्ते पीछे उस वक्त में चला जाता है जब ये पार्टी शुरू हो चुकी होती है, लेकिन अभी वहां पे रूपर्ट नहीं पहुंचा होता। और टिम देखता है कि वहां पर मैरी खड़ी है, वो अकेली है, वो उदास है। और टिम मैरी के पास जाकर उससे बातें करना शुरू करता है। वो उसे बताता है कि मुझे केट मोस बहुत पसंद है, और वो उसे वो सारी बातें बताता है जो उसे मैरी ने खुद बताई होती है, जिस बात से मैरी इम्प्रेस हो जाती है। टिम उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम इस पार्टी में बोर हो रही हो, क्यों ना हम बाहर चल के कहीं डिनर करें। ये बात भी मैरी ने उसे बताई थी कि वो एक बोरिंग पार्टी है। और वो दोनों वहां से बाहर निकल जाते हैं, और जब वो दोनों बाहर निकलते हैं तो वहां पर ये दिखाया जाता है कि रूपर्ट अंदर एंट्री कर रहा होता है। रूपर्ट वही लड़का है जो इस पार्टी में मैरी को प्रपोज करता है और उसका बॉयफ्रेंड बनता है, लेकिन अब टिम ने सब कुछ बदल दिया है और वो दोनों वहां से डिनर करने जाते हैं। डिनर करने के बाद वो मैरी को उसके घर पर छोड़ता है। ये दोनों एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर देते हैं और ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, और उसी रात को इन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप भी डेवलप होता है। लेकिन टिम टाइम ट्रेवल करके बार बार उसी वक्त में वापस आता है क्योंकि वो इस रात को, इस संभोग को बार बार इंजॉय करना चाहता है, और वैसे करता भी है। और इसके बाद टिम के प्यार की पतंग उड़ना शुरू हो जाती है, और कुछ अच्छा वक्त साथ बिताने के बाद टिम को ये एहसास हो जाता है कि मैरी वो लड़की है जिससे वो प्यार कर सकता है, जिससे वो शादी कर सकता है, और वो मैरी को प्रपोज करता है और मैरी भी उससे शादी के लिए हाँ कर देती है।
टिम मैरी को अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए ले जाता है और उसकी फैमिली को भी मैरी बहुत पसंद आती है। अब जब ये सब के सब खाने की टेबल पर बैठे होते हैं तो टिम ये बोलता है कि हमने ये फैसला किया है कि हम जल्द से जल्द शादी कर लेंगे। अब वहां पर टिम के जो अंकल बैठे होते हैं जो दिमाग से थोड़ा सा पैदल हो चुके हैं वो कहते हैं कि किससे शादी कर रहे हो तुम। टिम बोलता है कि मैरी से, और किससे। उसके अंकल बोलते हैं कि अगर तुम किसी और से शादी करते तो मुझे बहुत दुख होता। टिम ये भी बताता है कि हम बहुत जल्दी शादी कर रहे हैं क्योंकि मैं बाप बनने वाला हूँ। इस बात से उसके अंकल जो दिमाग से पैदल है वो मैरी से कहते हैं कि तुम माँ बनने वाली हो, इसका बाप कौन है। मैरी कहती है कि टिम और कौन। उसके अंकल कहते हैं कि अगर कोई और होता तो मुझे बहुत दुख होता। और इसके कुछ ही वक्त बाद इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी में इनको काफी परेशानी होती है, कभी बारिश आ जाती है, कभी कोई अपनी स्पीच गलत दे देता है और बार बार टिम टाइम ट्रेवल के थ्रू इन सब चीजों को ठीक कर देता है। शादी के बाद इनकी एक बेटी होती है और टिम अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। टिम की जिंदगी में अब खुशियां हैं, धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है और टिम अब टाइम ट्रेवल नहीं करता क्योंकि उसे कभी टाइम ट्रेवल करने की जरूरत महसूस ही नहीं होती क्योंकि टिम का अब अपना एक परिवार है, इसीलिए वो एक दूसरे बड़े घर में शिफ्ट हो जाता है। और जब टिम की बेटी का बर्थडे होता है तो उसकी पूरी फैमिली वहां पर आती है, लेकिन टिम अभी भी अपनी बहन किटकैट का वेट कर रहा होता है। डोरबेल बजती है और जब टिम बाहर जाता है तो वहां पर किटकैट नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड जिमी होता है। टिम उससे किटकैट के बारे में पूछता है। जिमी कहता है कि मुझे नहीं पता, उसने दारू पी रखी थी और उसकी मुझसे लड़ाई हो गई और उसके बाद वो ड्राइव करके वहां से निकल गई, मुझे नहीं पता कि वो कहां पर है। इस बात से टिम को बहुत दुख होता है क्योंकि शायद नए रिश्तों के चलते वो अपनी बहन जिससे वो बहुत प्यार करता है उस पर ध्यान ही नहीं दे पाया। और उसे पता चलता है कि उसकी बहन की कार का एक्सीडेंट हो चुका होता है जिससे उसकी बहन के चेहरे पर बहुत चोट आती है। दरअसल किटकैट अपने रिश्तों के चलते बहुत परेशान होती है, बहुत दुखी होती है, इसीलिए वो अल्कोहल भी पीना शुरू कर देती है। लेकिन कुछ वक्त बाद किटकैट रिकवर कर जाती है और वो अपने भाई को बताती है कि हर फैमिली में एक लूजर होता है, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे जिंदगी, और शायद अपनी फैमिली में मैं लूजर हूँ। इस बात से उसके भाई को दुख होता है। वो कहता है कि जितनी इंपॉर्टेंट मेरे लिए मेरी पत्नी मैरी है उतनी तुम भी हो। और वो उसे अपनी फैमिली का सीक्रेट बताता है कि हमारे पास टाइम ट्रेवल करने की पावर है। इस बात पर उसकी बहन विश्वास नहीं करती, वो कहती है कोई मजाक है। और इसके बाद वो अपनी बहन को एल्मीरा के अंदर ले जाता है, उसे कहता है कि मेरा हाथ पकड़ो, और उसे वहां से वो न्यू ईयर ईव की उस पार्टी में ले जाता है जहां पर वो जिमी से पहली बार मिली होती है। दरअसल किटकैट की जिंदगी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जिमी होता है क्योंकि वो जिमी से प्यार करती है और इस रिश्ते में उसे दुख के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। अब इस पार्टी में आने के बाद उस पल में जब वो जिमी को पहली बार मिलने वाली होती है टिम उसे रोक लेता है, लेकिन जिमी एक फ्लर्टी लड़का है, वो किसी और लड़की से फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। इस बात से किटकैट को गुस्सा आता है और वो जिमी को एक थप्पड़ मारती है। जिमी को कुछ नहीं पता कि उसे थप्पड़ क्यों लगा, लेकिन अब किटकैट की आंखें खुल चुकी है और वो जिमी से मिली नहीं तो उसके फ्यूचर में जिमी के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं होती। और किटकैट और टिम वापस अपने उसी वक्त में आ जाते हैं और जब वो उस वक्त में आते हैं तो किटकैट के अंदर किसी और लड़के के लिए फीलिंग्स होती है और ये टिम का दोस्त होता है जिसका नाम जे होता है और जे भी इस टाइम में उससे प्यार करता है। दरअसल टिम ने अपनी बहन का पास्ट पूरी तरह से चेंज कर दिया है, इसीलिए उसका प्रेजेंट भी चेंज हो जाता है और जिस वजह से उसकी बहन किटकैट अब खुश है। इसके बाद टिम अपने घर जाता है और वो भागता हुआ अपनी बेटी के पास जाता है, लेकिन जब वो वहां पर जाता है तो वहां पर उसकी बेटी नहीं बल्कि उसका बेटा होता है। उसकी बेटी कभी पैदा हुई नहीं, दरअसल उसने अपनी बहन का पास्ट चेंज किया जिसकी वजह से उसका भी प्रेजेंट चेंज हो गया। और इस बात को टिम बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि वो अपनी बेटी से जुड़ा हुआ है, वो उससे बहुत प्यार करता है। और वो अपने डैड के पास जाता है और उनसे पूछता है। उसके डैड उसे बताते हैं कि ये बात मुझे तुम्हें बतानी चाहिए थी, तुम अपनी बेटी के जन्म से पहले किसी भी वक्त में जाकर कुछ भी बदल नहीं सकते, ऐसा करने से तुम्हारा बच्चा हर बार बदल जाएगा क्योंकि तुम्हारे स्पर्म का टाइम, तुम्हारे बच्चे के पैदा होने का टाइम, सब कुछ बदल जाता है। और टिम इसीलिए पास्ट में जाकर इस घटनाक्रम को दोबारा से नहीं बदलता जहां पर उसकी बहन उस लड़के से मिली होती है जिसका नाम जिमी होता है और उसकी बहन का एक बार फिर से एक्सीडेंट होता है और वो मैरी के साथ उससे हॉस्पिटल में मिलने जाता है। लेकिन टिम को अब पता है कि उसकी बहन के दिल में कहीं ना कहीं जे के लिए, जो कि उसका दोस्त है, फीलिंग्स को डिवेलप किया जा सकता है और वो ऐसे करता है और उसकी बहन और जे आपस में सेटल हो जाते हैं।
इसके बाद टिम का एक और बच्चा होता है, ये एक लड़का होता है। और अब टिम की फैमिली में दो बच्चे हैं, उसकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन एक दिन टिम को ये पता चलता है कि उसके डैड को कैंसर है और वो इस दुनिया में कुछ ही हफ्तों के मेहमान हैं, अब वो मरने वाले हैं। टिम अपने डैड के पास जाता है। उसके डैड उसे बोलते हैं कि शायद ये स्मोकिंग की वजह से हुआ है, मैं अपनी स्मोकिंग की आदत को बदल नहीं सका क्योंकि तुम दोनों पैदा हो चुके थे और मेरी स्मोकिंग की स्टाइल देखकर ही तुम्हारी मॉम मुझसे इंप्रेस हुई थी। और अगर मैं अपने पास्ट को बदलता, अपनी स्मोकिंग की आदत को छोड़ देता तो शायद तुम दोनों भी बदल जाते, और मैं ऐसा नहीं चाहता था। टिम कहता है कि जो हमारे पास टाइम ट्रेवल की पावर है, शायद हम उससे कुछ कर पाए। उसके डैड बोलते कि नहीं, जिंदगी में बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, जिंदगी खट्टी मीठी होती है। जीसस तो गॉड के बेटे थे लेकिन उन्हें भी इस दुनिया से जाना पड़ा। टिम के डैड टिम को यह भी बताते कि उन्हें इस बारे में बहुत पहले से पता था लेकिन उन्होंने अपनी फैमिली को नहीं बताया। वो बार बार टाइम ट्रेवल करके पीछे जाते थे और अपने परिवार के साथ समय बिताते थे। टिम के डैड टिम को अपनी जिंदगी का एक सीक्रेट और बताते। वो कहते कि हर एक दिन को आम लोगों की तरह जियो, बिल्कुल आम तरीके से, जिसमें टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है, लेकिन उसी दिन को दोबारा से जियो ताकि पहली बार में स्ट्रेस और टेंशन की वजह से हम जिंदगी की जिस खूबसूरती को नहीं देख पाते, हम वो दूसरी बार में देख सकें। और टिम ऐसे ही करता है और उसे जिंदगी अब बहुत खूबसूरत लगती है। वो हर एक दिन को दो बार जीता है। लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं जिसे आप दोबारा नहीं जीना चाहते, और ये वो दिन होता है जिस दिन टिम के डैड इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। इस बात से टिम को और उसके परिवार को बहुत दुख होता है। लेकिन टिम आज भी जब भी वो अपने डैड को मिस करता है तो वो पास्ट में जाकर उनसे मिलता है, उनसे बातें करता है, और ये सिलसिला चलता रहता है। अब एक दिन टिम की वाइफ मैरी उसे बोलती कि क्यों ना हम एक और बच्चा कर ले, मुझे एक और बच्चा चाहिए। और टिम जानता है कि अगर उसका एक बच्चा और होता है तो वो फिर कभी भी अपने डैड से पास्ट में जाकर नहीं मिल सकता, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो प्रेजेंट में जो उसका बच्चा पैदा हुआ होगा वो भी बदल जाएगा और उसकी वाइफ प्रेग्नेंट हो जाती है। और टिम अपने डैड से आखिरी बार मिलने के लिए जाता है और वो अपने डैड को बता देता है कि अब वो यहाँ पर कभी वापस नहीं आ पाएगा, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? उसके डैड बोलते हैं कि मैं एक बार तुम्हारे साथ अपनी अतीत की गलियारों में जाना चाहता हूँ, अगर हम एहतियात बरतेंगे तो कुछ भी गलत नहीं होगा। और वो अपने बेटे के साथ उसके बचपन में जाते हैं, जहाँ पर टिम और उसके डैड समंदर के किनारे एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम बिताते हैं। और इसके बाद टिम वापस अपने प्रेजेंट वक्त में आ जाता है और उसे इस बात का भी एहसास होता है कि आपकी जिंदगी में भले कोई कितना भी इम्पोर्टेंट क्यों ना हो, एक दिन उसे इस दुनिया से जाना ही होता है। इस सच को हम नहीं बदल सकते। और अब वो टाइम ट्रेवल भी नहीं करता, बल्कि वो अपनी जिंदगी के हर एक दिन को अपने पापा के सीक्रेट वाले दूसरे हिस्से की तरह जीता है, यानी कि वो खुश रहना सीख गया है, वो हर पल में खुश रहता है। और कुछ वक्त पहले टिम को यही करने के लिए हर एक दिन को दो बार जीना पड़ता था। टिम कहता है कि इस दुनिया में हर एक इंसान एक तरह से टाइम ट्रेवल ही कर रहा है। हमें हर एक दिन को काटना नहीं चाहिए बल्कि उसमें खुशियां ढूंढनी चाहिए, उसे जीना चाहिए, क्योंकि इस जिंदगी का हर एक पल एक जैसा होता है। वो आपकी सोच और आपका नजरिया होता है जो उस पल में खुशियां या दुख ढूंढता है। इसीलिए हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। और इसी मैसेज के साथ ये कहानी, ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 2013 में रिलीज हुई थी और IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.8 और इस फिल्म का बजट था $12 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $87 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।